मुस्लिम बच्चे की गिरफ्तारी पर ओवैसी का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार के सिवान में दो गुटों में हुई आपसी झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस झड़प के मामले में 8 साल के मुस्लिम बच्चे को भी जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में 8 साल के बच्चे को जेल भेज देने के बाद से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट कर इस मामले की निंदा की है। ओवैसी ने कहा कि 8 साल के रिजवान और 70 साल के यासीन कैद हैं। लालू प्रसाद ने 1990 में अडवाणी को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस भेजा था। इस एहसान को चुकाने के लिए भला मुसलमानों को कितनी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। लालू के लाल एहसान जताते जताते मंत्री बन गए, लेकिन हमारे बच्चे और बुजुर्ग। 8 साल के बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। इंजीनियर विकास यादव ने ओवैसी के बयान पर लिखा, अपनी जुबान से गंदगी फैलाना बंद करो। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आवाम खुश है। भाजपा द्वारा निर्देशित ट्वीट करके अमन चैन बर्बाद मत करो। बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है। बिहार के लोग जानते हैं, तुम्हारे आका यानी भाजपा को जानते हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट करके लिखा, प्रिय तेजस्वी यादव जी, आपकी सरकार में सिवान में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। मुसलमानों के घरों पर पथराव करते भगवा गमछाधारी दंगाइयों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कार्रवाई भी मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। 8 साल का बच्चा पुलिस की गिरफ्त में है, आप संज्ञान लीजिए। पत्रकार रिजवान हैदर ने ट्वीट करके लिखा, क्या हुकूमत हाथ में आते ही तेजस्वी यादव जी के तरीके बदल गए? क्या मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनेंगे? महज 8 साल के बच्चा रिजवान कुरैशी को सिवान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्या आपकी सरकार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? समाज सेवक राहुल कपूर ने ट्वीट में लिखा, 8 साल के बच्चे रिजवान को सिवान पुलिस ने पहले दंगाई बताकर अरेस्ट कर लिया और फिर जेल भेज दिया, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पर कोई भी बच्चा जेल भेजा ही नहीं जा सकता। बिहार की सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रिजवान को जल्द से जल्द रिहा करवाना चाहिए। हालांकि आपको बताते चले कि बच्चे की उम्र को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बड़हरिया थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि रिजवान की जो तस्वीर वायरल की जा रही है वो ठीक नहीं है और खुद मजिस्ट्रेट के सामने लड़के ने अपनी उम्र 13 साल स्वीकार की है। इसके अलावा पुलिस के पास ऐसे तमाम साक्ष्य है कि वो पत्थरबाजी में शामिल था, बाकी सही उम्र का जांच में पता चलेगा। वहीं रिजवान की मां के रिश्वत मांगने के आरोप पर थानाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी बातें सरासर झूठी है, ऐसा कहीं होता है क्या? रिजवान की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर और बड़हरिया के थानाध्यक्ष के दावे की पुष्टि के लिए हमने फिर से रिजवान के परिजनों से संपर्क किया और उनसे रिजवान की पुरानी तस्वीर मांगी। रिजवान के भाई शहाबुद्दीन ने हमसे कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरें सच्ची है। हाँ, एक बात है कि जो तस्वीर पिछली ईद के दौरान की है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।